हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ करमेंट कंपनी के प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो कि बनाए गए हैं 14th ऑफ अगस्त 2019 की डेट से। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यूज बेस होंगे। पहली बात तो ये करंट अफेयर एमसीक्यूज बेस है, साथ में इनका आंसर भी यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बन गया है? ठीक है, नेपाल, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? देखते हैं इसका आंसर। यहाँ बात हो रही है भारत की। भारत में स्क्रैप आयात वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 35% से बढ़कर 3.87 मिलियन टन तक पहुंच गया है। भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग में मंदी और आयातित स्क्रैप धातुओं की सस्ती कीमत के कारण भारत दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बन गया है। अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? ऑप्शन है मोनिका सचदेवा, चंद्रिमा शाह, अनिल त्यागी, पूनम जायसवाल। अगला देखते हैं। देखिए इसका आंसर है चंद्रिमा शाह। यह पहली महिला है जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। चंद्रिमा शाह पूर्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के निदेशक थी। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक कोर की उपाधि प्राप्त की और साल 1980 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी से डायरेक्टरेट की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की है। ये है इनकी तस्वीर, थोड़ा सा अजीब लग रहा देखने में, लेकिन फिर भी चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के बाद पीपल्स प्लान अभियान शुरू करने का फैसला लिया है? 18, 20, 16 या 12? देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें 16। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक विकास योजना तैयार करनी है। पीपल्स प्लान अभियान को सबकी योजना सबका विकास के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है पीपल प्लान्स? ये जो पीपल प्लान्स जो योजना है इसको किस नाम जानता है? सबकी योजना और सबका विकास। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, आवास, सड़क, पेयजल, विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और सामाजिक कल्याण जैसे 48 आवश्यक संकेतों की श्रेणी रखी गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। और पहले यहाँ देख लेते हैं कि लोकेशन देखते हैं हम, किसकी लोकेशन देखेंगे यहाँ पर हम? यहाँ पर हम देखिए खास लोकेशन तो कोई देखने लायक है नहीं, लेकिन हम भारत देख लेते हैं। पूरे ही इंडिया का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया, एक भारत का मैप आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों ने दुर्लभ पौधों की प्रजातियों की खोज की है जो प्रायद्वीपीय भारत तथा किसी देश के बंगाल की खाड़ी में उपस्थित प्रायद्वीपियों या फिर द्वीपियों से अतीत के महाद्वीप संबंधों को जोड़ने में मदद कर सकती है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या भूटान। देखिए यहाँ पे बात क्या है श्रीलंका। अंडमान में पाए गए इस पौधे की प्रजातियों के भारत श्रीलंका में भी पाए जाने से बंगाल की खाड़ी के द्वीपियों तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच निकटतम संबंध के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, और पता भविष्य में लगाया जा सकता है। यह पौधा केवल असम, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और श्रीलंका में ही पाया जाता है। समझे, याद देखना। सबसे बड़ी मजे की बात क्या है, जो असम है, असम की लोकेशन कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन सभी लोकेशन थोड़ी अलग है। और देखिए ये है आपका श्रीलंका का मैप, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और बड़ी खतरनाक सा मैप है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडिया, यहाँ तक ये इंडिया की लोकेशन आती है। देखिए रामेश्वरम, ये इंडिया का पार्ट है रामेश्वरम भी। ठीक, और उसके बाद ये जो आपका क्या कहते हैं एडम ब्रिज है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद से आपको शुरू होता है पार्क स्टेट, ये ब्रिज का हिस्सा है, इसको पार्क स्टेट बोलते हैं, पार्क स्टेट। और यहाँ से फिर आपका शुरू होता है श्रीलंका की टेरिटरी। ठीक, और श्रीलंका जो है अपने आप में ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, लेकिन अपनी एक अलग वैल्यू है इसकी। ठीक, पूरा का पूरा ये देखिए बे ऑफ बंगाल में भी इसका एक्सिस है, इंडियन ओशन में इसका एक्सिस, यहाँ पर आपको देख रहा हूँ इंडियन ओशन में इसका एक्सिस है, और गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं पर पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किस शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत अपशिष्ट की खुले में डंपिंग और दहन यानी कि बर्निंग है?
जयपुर, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद? क्या बात किया है? दिल्ली। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, डीएमआरसी, डीएसडब्ल्यूआईडीसी, एनडीएमसी जैसी एजेंसियों से अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान अपशिष्ट की खुले में डंपिंग और दहन के विरुद्ध मुहिम चलाने का निर्देश दिया। बोर्ड के अनुसार सभी एजेंसियों द्वारा वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए उठाए गए कदमों की बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा और खुले में डंप किए गए कचरे से मीथेन का उत्सर्जन होता है जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर वातावरण को गर्म करता है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान भी देता है। देखिए, यहाँ है लोकेशन दिल्ली की, दिल्ली है लोकेशन। इसकी बॉर्डर कहाँ लग रही है? देखो, अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश से लग रही है और यहाँ पर है हरियाणा से लग रही है। ठीक है, राजस्थान से डायरेक्ट कोई लोकेशन नहीं है दिल्ली की। आइए देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 9 साल की लड़की, ठीक है, अलंगबाम, नाम है अलंगबाम वेलेंटीना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर? यह बात की जा रही है मणिपुर की। ग्रीन मणिपुर मिशन के तहत अलंगबाम वेलेंटीना सरकार के विज्ञापनों और कार्यक्रमों और वन्य अभियानों का हिस्सा बनेगी। अलंगबाम वेलेंटीना को वीआईपी पौधारोपण, वन महोत्सव और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रमों में विशेष स्थान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा 18 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन को लॉन्च किया गया था, ये बात ध्यान। अब देखते हैं मणिपुर के लोकेशन, और यहाँ दिख रहा है आपको, ये है आपकी मणिपुर की लोकेशन। इसको देखो, अगर यहाँ देखें तो इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है म्यांमार से, या नागालैंड है, डोमेस्टिक बॉर्डर में असम है, मिजोरम है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए कार्य वीजा नियमों को आसान करने का आश्वासन दिया है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, चीन या रूस? देखते हैं, यह बात कह रही न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी संधि के हिस्से के रूप में भारत में अपने डेयरी उत्पादों, सेब, कीवी और शराब के लिए अधिक से अधिक बाजार पहुंचाना चाहता है। ठीक है, सेब और शराब जैसी वस्तुओं को भारत में अधिक बाजार पहुंच की उपलब्धता में परेशानी हो सकती है क्योंकि इन वस्तुओं को अर्थव्यवस्था के लिए संवेदनशील माना जाता है। ये देखो, ये है न्यूजीलैंड की लोकेशन, और यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन, और यह है तासमान सी। इसके न्यूजीलैंड के जो ईस्ट में है वो पैसिफिक ओशन पड़ता है और तास्मन सी इधर पड़ता है। ठीक है, और कुक स्टेट न्यूजीलैंड के बगल में पड़ती है। ठीक, ऊपर पड़ता है बे ऑफ आइसलैंड है, बे ऑफ पेलेंटी है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की बेसिक लोकेशन है। चलिए आगे देखते हैं, अमेरिका स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व स्वास्थ्य संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है? 10वें स्थान, 15वें स्थान, 13वें स्थान या 11वें स्थान पर? देखते हैं, देखिए यहाँ बात कह रहे 13वें स्थान पर। विश्व संसाधन संस्थान द्वारा तैयारी सूची में देशों की रैंकिंग एडवोकेट टूल के आधार पर की गई है। विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रयुक्त एक्वेडेटेड टूल में देश की रैंकिंग के लिए जल संकट के 13 संकेतों का प्रयोग किया गया था। एडवोकेटेड ग्लोबल वाटर रिस्क मैपिंग टूल कंपनियों, निवेशकों, सरकार और अन्य उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि विश्व में कहां और कैसे जल संकट का विस्तार हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने खेल, सांस्कृतिक तथा पारंपरिक दबाव के क्षेत्र में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया? नेपाल, पाकिस्तान, रूस या चीन? देखते हैं, यह बात की जा रही है चीन की। इस समझौते में द्विपक्षीय मामले 2020 में सहयोग पर चीन के विदेशी मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के बीच प्रोटोकॉल को लागू करने की कार्य योजना शामिल है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की 3 दिनों की यात्रा पर हैं। दोनों नेता अपने राष्ट्रीय खेल एसोसिएशन खिलाड़ियों और युवाओं के बीच आदान प्रदान करने पर, यानी कि आदान प्रदान बढ़ाने पर सहमत हुए ताकि अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों पर सहयोग मजबूत किया जा सके। और देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको चाइना की लोकेशन, ये है आपको चाइना का पूरा पार्ट। देखिए, ये गोबी डेजर्ट, ठीक है, गोबी मरुस्थल पड़ता है और इसकी लोकेशन टच करती है मंगोलिया से। उससे ऊपर आप देखते रशियन फेडरेशन है, इधर देखें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और यहाँ देखिए भारत, नेपाल, भूटान,
ठीक है, म्यांमार, लाओस, इन सबसे चाइना की बॉर्डर लगती है। और यह है राजधानी चाइना की बीजिंग, यहाँ है ताइवान जो कि अपने आप को भी चाइना बोलता है, ठीक। और यह है आपका पैसिफिक ओशन, इसके ईस्ट में पड़ता है। और यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो नॉर्थ कोरिया चाइना की लोकेशन लगती है, लेकिन साउथ कोरिया से इसका कोई भी पार्ट अटैच नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस आईआईटी में टेक्सस नाम की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मुंबई? यह बात किया गया आईआईटी दिल्ली की। इस प्रदर्शनी में इम्प्रिंट योजना और उच्चतर आविष्कार योजना के तहत किए गए नवाचारों और शोध परियोजनाओं को दर्शाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इम्प्रिंट और उच्चतर आविष्कार योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इम्प्रिंट योजना के तहत 2024, जबकि उच्चतर आविष्कार योजना के तहत 142 शोध परियोजनाएं चल रही हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद शिक्षण संस्थानों में शोध कार्यों के जरिए समाज और उद्योग जगत की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढना भी है। और ये है वो शख्स, आगे देखते हैं। तो इसके साथ में ये एमसीक्यू की सीरीज यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट डे के एमसीक्यूज में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, और इंग्लिश माध्यम के भी एमसीक्यूज के सेम क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।